जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, इसका नाम है Realme 8s 5G और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR अनबॉक्स। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Realme 8s 5G के अक्टूबर मंथ के अपडेट A.06 के बारे में दोस्तों, जो कि रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या नए फीचर्स मिलते हैं, इसको इंस्टॉल करने के बाद डिवाइस का परफॉर्मेंस कैसा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस, कैमरा परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस और क्या कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं या नहीं। सो गाइस, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल है, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। सो दोस्तों, आप अगर अपने फोन की सेटिंग सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके चेक करेंगे तो आपको भी A.06 का नया अपडेट मिल जाएगा। अगर अभी तक नहीं मिला है तो डोंट वरी, बहुत ही जल्दी आपके फोन में भी आने वाला है। अपडेट की साइज है 339 MB। वहीं पे मैं बात करता हूं दोस्तों अपडेट के चेंज लॉग की, क्या क्या यहाँ पे चीजें मेंशन है, देन आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले मेंशन है कि आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जो है वो लेटेस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि अक्टूबर 2021 का लेटेस्ट मिलेगा। बाकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ और डिटेल मेंशन है कि सिस्टम में यहाँ पे जो टच स्क्रीन में इशू था थोड़ा बहुत, उसको भी यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है इस अपडेट के थ्रू। साथ ही साथ और भी आपने जितने भी फीडबैक दिए थे, जितने यूजर्स ने ये प्रॉब्लम हो रही है, सबको फिक्स करने की कोशिश की गई है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ से दिखाया कि मैंने A.06 अपडेट को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। बाकी दोस्तों, अगर बात करते हैं अबाउट फोन के सेक्शन में जाके, देन आप नोटिस करेंगे कि यहाँ मुझे 5 अक्टूबर 2021 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी मिल चुका है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद डिवाइस के ओवरऑल परफॉर्मेंस की, यूआई परफॉर्मेंस की। देन आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन ओपनिंग एनिमेशन वगैरह जो है काफी ज्यादा आपको फास्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एज यूजुअल जो पहले परफॉर्मेंस मिलता था सेम टू सेम वही पे मिलने वाला है। बट अगर आप 90 Hz में रिफ्रेश रेट के साथ आप यूज करते हैं, देन आप नोटिस करेंगे कि अभी भी आपको यहाँ पे जिटरीनेस नोटिस होता है। मे बी इसको अपकमिंग अपडेट में फिक्स करने की जरूरत है, बट थोड़ा बहुत आपको स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 60 पे यूज करें। बाकी यहाँ पे आपको और भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है डिवाइस की यूआई से रिलेटेड। A.06 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड की बात करें, आप नोटिस करेंगे कि बिल्कुल टच करते ही इंस्टेंट आपका फोन अनलॉक हो जाता है। एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा परफेक्ट है। मैं बात करता हूं दोस्तों फेस अनलॉक की, देन आप नोटिस करेंगे कि ये भी काफी अच्छे से वर्क करता है। थोड़े माइन्यूट टाइम के लिए आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन नोटिस होती है, बाकी आपका फोन यहाँ पे भी अनलॉक अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों A.06 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद कैमरा परफॉर्मेंस की। यहाँ पे आपको कोई भी नया फीचर्स नहीं मिलता है, सेम टू सेम वही फीचर जो आपको पहले मिलते थे। कैमरा सैंपल्स की बात करें, जिन आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कैमरा की क्वालिटी भी आपको सेम टू सेम पहले जैसी मिलती थी। बाकी मैंने यहाँ पे इसके कैमरा के बारे में डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, वो आपको ऊपर आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर मैं आपको एक वर्ड में बताऊं तो आपको जो फोटोज की क्वालिटी है यहाँ पे काफी बेटर मिल जाती है। यहाँ पे सेल्फी की बात करें तो आपका जो स्किन टोन है, हाँ थोड़ा सा मुझे पहले से कुछ कंडीशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नोटिस हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेटवर्क परफॉर्मेंस की। अभी भी आप लोग मत देख पाएंगे हमारे फोन में वाईफाई, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ सारी चीजें ऑन है। मैंने हॉटस्पॉट भी ऑन करके चेक किया, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नोटिस नहीं होती। वाईफाई ऑटो डिस्कनेक्ट, हॉटस्पॉट ऑटो ऑफ या ऑन का कोई भी आपको ऐसा प्रॉब्लम नोटिस नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथली आपको नेटवर्क जो है वो अच्छे से मिल जाता है। बाकी हम बात करते हैं दोस्तों अगर कैरियर एग्रीगेशन 4G+ का, तो यहाँ पे हमारे फोन में जियो का सिम लगा हुआ है तो यहाँ पे 4G+ शो नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों चार्जिंग टाइम और बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर। तो यहाँ पे आपको अगर आप इसको चार्ज करेंगे 0 से 100%, देन 1 घंटा 20 मिनट के अप्रॉक्स लगने वाला है। बाकी इसकी चार्जिंग टेस्ट वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी हम बात करते हैं दोस्तों बैटरी परफॉर्मेंस की, जहाँ पे नॉर्मल यूजेज में आपका 1 दिन आराम से निकल जाएगा। अगर हाँ आप 90 Hz रिफ्रेश रेट के साथ यूज करते हैं, देन आपको थोड़ा सा बैटरी वहाँ पे फास्ट ड्रेन होती हुई नोटिस होगी, बाकी आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 1 दिन आसानी से चल जाने वाला है। हाँ लेकिन अगर आप 60 पे यूज करेंगे देन 90 से बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। बाकी दोस्तों हम बात करते हैं A.06 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद Realme 8s 5G के BGMI परफॉर्मेंस की। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक सेटिंग दिखा देता हूँ, सेम वही ग्राफिक सेटिंग मिलती है जो कि आपको इस अपडेट के पहले मिलती है। इसका BGMI गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में डिटेल वीडियो बना रखा है। वहीं पे हम बात करते हैं यहाँ पे आपको जो गेम स्पेस मिलता है, आप लोगों में से बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं क्या वॉइस चेंजर का ऑप्शन मिला या कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं अभी भी आपको वॉइस चेंजर का ऑप्शन नहीं मिला है। वॉइस चेंजर का ऑप्शन आपको इसमें Realme UI 3.0 के अपडेट के बाद मिलेगा। अपडेट कब आएगा, कौन कौन चेंजर मिलते हैं उसकी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी दोस्तों मैं बात करता हूँ इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद गेमिंग परफॉर्मेंस की। मैंने यहाँ पे काफी टाइम तक गेमिंग किया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नोटिस नहीं हुई, हीटिंग भी नहीं होती, थोड़े बहुत बीच बीच में आपको फ्रेम ड्रॉप मिल सकते हैं, बाकी बैटरी ड्रेनिंग का भी कोई इशू नहीं नोटिस होगा आपको Realme 8s 5G में गेमिंग से रिलेटेड। सो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं, अगर आपने अपडेट को इंस्टॉल नहीं किया, रिव्यू का वेट कर रहे थे, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली आपको अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए। कोई नया फीचर नहीं मिलता है, लेकिन आपका यहाँ पे सिक्योरिटी पैच अपडेट हो जाएगा जो कि आपका लेटेस्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे थोड़े बहुत डिवाइस में इंप्रूवमेंट किए गए हैं, तो उसके रिकॉर्डिंग आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जय हिंद।